इफ यू लुक आउट हियर, व्हाट विल बी द इनिशियल, इनिशियल मान लो इसमें मैंने लिया 5 मोलर, यहां पे भी मैंने लिया इनिशियल 5 मोलर, ठीक है। चेंज में मैंने दे दिया, चेंज में मैंने कहा कि ये बना है आपका H प्लस जो बना, दैट इज 1 मोलर, और यहां पे चेंज में मैंने कहा कि जो सल्फेट बना है दैट इज ऑल्सो 1 मोलर। अब माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, इफ 1 मोलर H पॉजिटिव इज फॉर्म, हाउ मच ऑफ Cl नेगेटिव इज फॉर्म? 1 molar. And how much of HCl will be reduced? Minus one. 1 molar is going to be reduced. Now, my dear friends, at equilibrium, what will be the concentration of HCl? 4 molar. And H will be 1 molar. And this will also be 1. So now, ab yahan pe mujhe के ए ढूंढना है। एसिड के लिए क्या कर देते थे, के ए लिखते थे। सो के ए विल बिकम व्हाट, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, सो इट बिकम्स 1/4, 0.25। नाउ अब सल्फेट में बताओ भाई कि अगर ये 1 मोलर प्रोड्यूस हुआ तो ये कितना मोलर प्रोड्यूस होगा? 2 मोलर, बिल्कुल। और यहां से कितना कम होएगा? 1 मोलर। क्यों? इट इज इन द रेशियो 1:2:1। सो एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4? एंड दिस इज द वे इट इज, 2 मोलर एंड 1 मोलर। तो अब यहां पे के ए क्या आ जाएगा, 2 × 1 × 4। पक्का स्क्वायर कहां गया? यस, स्क्वायर कहां गया? इट वाज व्हाट, a^(a), b^(b) डिवाइडेड बाय c^(c) डिवाइडेड इनटू d^(d). So this will become 4/4, that is equals to 1. देखा, सेम फॉर्मूला यूज किया है। अब बेटा अगर आपको बेस के लिए कहे, तो बेस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर में। क्या चीज बेटा? डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं होता। डिनोमिनेटर में उस समय स्क्वायर आएगा बेटा जब आपके रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्री में 2 होएगा। रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्री में 2 होगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? स्क्वायर। यस, ठीक है, ओके। पहले मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड वाला फॉर्म ही दे देता हूं, केसी का स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले बेस नहीं करते, a+bb एट इक्विलिब्रियम विद c+dd, सो द वैल्यू ऑफ केसी इज c^c मल्टीप्लाइड बाय d^d डिवाइडेड बाय a^(a)(b). ठीक है ना, ओके। सो ये स्टोइकोमेट्री अगर 1 रहा तो पावर तो 1 रहेगा। स्टोइकोमेट्री a 2 हो गया तो यहां पे 2 आ जाएगा। b अगर 3 है तो यहां पे पावर में क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट अ बेस। बेस का सिंपल फॉर्म देखें तो बेस इज आल्सो रिटन एज अ BOH। BOH इज गोइंग टू फॉर्म आवर B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ओके। अब KB लिखना है, बेस के लिए क्या लिखते हैं? KB लिखना है तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में? क्या आएगा? ये ऐसे आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। अब वापस इसी रिएक्शन में आते हैं,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी ओ एच का सी है तो बी पॉजिटिव का क्या होएगा? जीरो. ओ एच नेगेटिव का क्या होएगा? जीरो. द चेंज, अगर ये सी अल्फा बना तो बी पॉजिटिव कितना बनेगा? सी अल्फा बनेगा. बी ओ एच कम कितना होएगा? तो एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच? बी माइनस सी अल्फा. एंड दिस इज, ठीक है, अब यहाँ पे आप डाल दो सी अल्फा टाइम सी अल्फा अपॉन सी वन माइनस अल्फा. सी सी कैंसिल्स, इट बिकम्स सी अल्फा स्क्वायर. वापस वही चीज आ गया. अब लेट्स लुक एट अ लाइव एग्जांपल. लेट्स सी इफ वी हैव अंडरस्टूड इट. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एन ए ओ एच एंड सी ए ओ एच. सी ए नहीं लेते, होल ट्वाइस वाला अभी अभी किया था. लेट्स टेक ए एल ओ एच होल ट्वाइस. ठीक है, नाउ NaOH is in equilibrium with Na positive and OH negative. AlOH whole thrice is at an equilibrium with Al3 positive and 3OH negative. Initial concentration, I am giving this as a 3 molar. And iska bhi hamara initial concentration is a 3 molar. Theek hai? अब मैं कहता हूं कि जो चेंज आया वो यहां पे वन मोलर है Na पॉजिटिव का, यहां पे Al3 पॉजिटिव का, नहीं इसको ले लेते हैं, OH नेगेटिव का वन मोलर है. माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज फिल इन द ब्लैंक्स हियर. फिल द ब्लैंक हियर, फिल द ब्लैंक हियर, फिल द ब्लैंक हियर एंड फिल द ब्लैंक हियर. सर वो 3 से 2 हो जाएगा. कौन सा 2 हो जाएगा? ने माइनस 1 होगा. ये 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 1 हो गया और ये माइनस 1 हो गया. चलो ठीक है, अब नेक्स्ट वाला बताओ. 1/3 मोलर सर, माइनस 1/3 हो गया. तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस 1/3. क्यों? रेशियो इज 1:1:3. तो जितना यहां पे वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू यहां पे होगा. अब यानी कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द वैल्यू आउट हियर? 2 मोलर. और ये 1 और ये 1 और यहां पे क्या होएगा? -8/3. ठीक है, और ये क्या होएगा? 1/3 और ये 1. तो अब यहाँ पे अगर हम इसका Kc ढूंढेंगे तो इट विल बिकम व्हाट? 1:1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2. यहाँ पे Kc निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 का क्यूब अपॉन 8/3. तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/8. आया समझ में ये बेस का? ना. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट हाउ इज अ सॉल्ट फॉर्म. बेसिक देखें तो HCl रिएक्ट्स विद NaOH टू गिव अस NaCl प्लस H2O. इट गिव्स अस अ सॉल्ट एंड वाटर. दिस पार्ट कम्स फ्रॉम द बेस एंड दिस पार्ट कम्स फ्रॉम द एसिड. ठीक है, तो अगर मैं AlCl3 लूं तो Al comes from where and Cl comes from where? Now this is at equilibrium, so we get an Al3 positive and a 3Cl negative. ठीक है, अब अगेन लेट्स डू इट इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट सी अल्फा एंड अल्फा. अगर ये सी है इनिशियल में तो आपका Al3 प्लस कितना? जीरो. जीरो.
और ये भी कितना, जीरो। ठीक है, अब बेटा चेंज चेंज, अगर ये सी अल्फा लोगे तो यहां पे चेंज क्या होगा, एग्जैक्टली ट्राइस ऑफ सी अल्फा, और यहां पे चेंज क्या होएगा, माइनस, यानी कि एट इक्विलिब्रियम इट विल बिकम व्हाट, सो इफ यू नाउ हैव टू डू द के, ओके के एस पी और के फॉर द सॉल्ट वुड बिकम व्हाट, सी अल्फा इंटू सी अल्फा होल क्यूब, बिल्कुल बाय सी माइनस सी अल्फा। देखा, तो एवरी क्वेश्चन में चेंज हो जाता है। अब मैं सी के बदले दे रहा हूं आपको 10 मोलर, ओके दिस विल स्टिल बी जीरो, स्टिल बी जीरो। ठीक है, ए एल थ्री पॉजिटिव बना 2 मोलर, ठीक है, तो आपका सी एल कितना बनेगा, 6 मोलर। तो आपका ए एल सी एल थ्री में कितना कम हुआ, 8 मोलर। तो अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम 8 मोलर है, 2 मोलर है एंड 6 मोलर है। अब आप इसको के एस पी के फॉर्मूला में डालोगे तो 2 × 6³ डिवाइडेड बाय 8, कितना आंसर आ जाएगा, 2 गया 2 गया, सो 2³ × 3 × 6, सो 9 × 6 = 54। आया समझ में, ओके नाउ लेट्स कम टू द पीएच। व्हाट डज द पीएच मेजर, द एग्जैक्टली द एसिडिक स्ट्रेंथ एज वेल एज द बेसिक स्ट्रेंथ, acidic strength as well as the basic strength is measured. The number goes from way to way. Hamare pH paper mein 1 to 14. Okay, so it goes from 1 to 14. Beech mein jo hota hai wo hai number 7. Number 7 ka matlab neutral. Iska matlab concentration of H plus ion kitna hai, equal to concentration of OH, जो कि कितना कितना होगा, 10⁻⁷। आप अगर मैं इसको H plus concentration और OH minus concentration को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 10⁻⁴। ठीक है, अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं के ऑफ वाटर। ठीक है, अब के को कन्वर्ट करना है लॉग में। अगर हम के को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू लॉग 10⁻⁴। कितना आंसर आएगा, 14। क्यों, क्योंकि माइनस 14 लॉग 10, लॉग 10 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब माइनस को इधर खींच लो, माइनस को इधर खींच लोगे तो माइनस लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 14, एंड माइनस लॉग के डब्ल्यू इज नोन एज व्हाट, पी के डब्ल्यू, which will be equals to, अब pH पे आते हैं। हमारा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने न्यूट्रल में कितना लिया, 10⁻⁷। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इसमें लॉग लगा दूं, लॉग H प्लस ले लूं एंड लॉग ये 10⁻⁷ ले लूं तो लॉग H प्लस का वैल्यू कितना आ गया, माइनस सेवन। नेगेटिव इधर आ गया, माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल्स टू कितना हो गया,
सेवन, यानी कि ये क्या है पीएच, ठीक है। अब आते हैं पीओएच पे, व्हेन इट इज न्यूट्रल हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या था, तो लॉग ओ एच कितना आ जाएगा, अभी अभी सॉल्व किया था माइनस सेवन, तो माइनस लॉग ओ एच इज इक्वल्स टू सेवन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पी ओ एच इज इक्वल्स टू सेवन। नाउ ये सेवन प्लस सेवन इज नथिंग बट द पी एच प्लस पी ओ एच, यानी कि पी एच प्लस पी ओ एच का आंसर शुड ऑलवेज एड अप टू व्हाट, 14, ठीक है, ओके। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि जो आपने टेंथ में यू हैड स्टडीड बट यू डिड नॉट डू वाई, इट मींस दैट ऑन दिस साइड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर एंड ऑन दिस साइड हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। नाउ यू नो वाई, अगर पीएच 3 है, पीएच 3 है, अब देखना आप खुद ब खुद ही बता दोगे, पीएच अगर 3 है, ठीक है, तो मेरे पास आ गया कितना, आया पीएच 3। नाउ इफ द पीएच इज 3 गाइस, व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, माइनस 3 एंड OH negative multiplied by H positive should always give us what? 10 to the power of minus 14. Minus 14. Ab H positive is 10 to the power of minus 3. So OH negative kya ho jayega? 10 to the power of minus 11. Which is a bigger value? 10 to the power of minus 3 or 10 to the power of minus 11? Minus. यानी कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो देखा कि हमारा पीएच 3 का मतलब उसमें हाइड्रोक्साइड है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या निकल गया, कम। गेटिंग द पॉइंट, सो यानी कि आपके पास एक और फॉर्मूला क्या बन गया, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, PKW इज इक्वल्स टू व्हाट, POH, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो 90% आपके सिलेबस में जितने भी फॉर्मूले दिए थे वो सारे हो गए, ठीक है। अब आप लोगों को एज इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स, आप लोगों को सोचना है कि कैसे पढ़ना है। बेटा टाइम 24 आवर्स सबके पास उतना ही है, कुछ लोग उसी 24 आवर्स में एलन मस्क बन जाते हैं, जिनको जब कहा जाता है कि वेल यू हैव बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज रिस्पांस वाज व्हाट, हाउ मेनी पीपल रेड हिज रिस्पांस, बैक टू वर्क, एग्जैक्टली ही सेड ओ That's strange. Let's get back to work. Okay? So let's get back to work. Enough of enjoyment. 11th ab khatam hone wala hai. Let's get back to work. Okay? So with that, I call it a day. Take care. Bye-bye. Next class, kal ke class mein, I want you all with your doubts. Okay? Pehle theoretical doubts, jitne bhi hai. उसके बाद से विल डू सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड देन विल शिफ्ट ऑफ टू द अदर चैप्टर्स विच पीपल हैड टोल्ड, रिडॉक्स एंड हाइड्रोजन। सो वी विल डू रिडॉक्स एंड हाइड्रोजन आफ्टर दैट एंड देन विल गो टू अदर चैप्टर्स। सो बाय-बायज, सायोनारास, टेक केयर्स। एक बार अटेंडेंस, यस, एक बार जाना नहीं, अटेंडेंस ले लेने दो मुझे, कोई गया तो नहीं है, ओके। सो लेट्स टेक द अटेंडेंस।